फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मॉम्स कंपनी। अगर आप मुझसे मेरा सबसे बड़ा फियर पूछेंगे जो मुझे प्रेगनेंसी के टाइम पे था, तो मैं एक नहीं दो फियर्स बताऊंगी। फर्स्ट तो कोविड टेस्ट, वो एक्चुअली जब टेस्ट करने के टाइम पे नोज़ के अंदर ले जाते हैं टू कलेक्ट द म्यूकस सैंपल, मुझे उससे बहुत ज़्यादा डर लगता है। और सेकेंड कि डिलीवरी के टाइम पे कहीं मैं मोशन ना पास कर दूँ। वो कहते हैं ना, अधूरी जानकारी हमेशा ख़राब होती है, और वही मेरे साथ हुआ। मुझे ये तो पता था कि चाइल्ड बर्थ के टाइम पे कई बार मोशन पास हो जाता है, पर मुझे ये नहीं पता था इट्स वेरी नॉर्मल और इसमें एम्बैरेसमेंट होने वाली कोई भी बात नहीं। तो मेरी प्रेगनेंसी के स्पेशली लास्ट मंथ में ये मेरा सबसे बड़ा फियर था। सिंस मेरा ये सबसे बड़ा फियर था, जो आई एम श्योर बहुत सारी वुड बी मॉम्स का होगा, तो मैंने सोचा मुझे इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए, जिसमें मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं और मैं ये बताऊं कि क्या ये नॉर्मल है, क्या हम इसे रोक सकते हैं। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर हिट कीजिएगा, ताकि आपको मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस टाइमली मैनर में मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और ये जानते हैं कि क्या लेबर और डिलीवरी के टाइम पे स्टूल या मोशन पास करना नॉर्मल होता है। अगर आप ये पहली बार सुन रहे हैं तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ऑड लगे ये सुनकर, लेकिन ये बहुत ही नॉर्मल है कि चाइल्ड बर्थ के टाइम पे मोस्टली वुमेन मोशन पास कर देती है। और इस बात से आपको बिल्कुल भी वरी नहीं करना चाहिए कि आपके डॉक्टर्स या नर्सेस क्या सोचेंगे, आपको एम्बैरेसमेंट होगा। उन्हें एक्चुअली इसकी आदत होती है, वो ऑलमोस्ट हर डिलीवरी केस में ये देखते हैं, ये एक्सपीरियंस करते हैं। इनफैक्ट जब पुश के टाइम पे आपका मोशन पास हो जाता है तो ये एक काइंड ऑफ गुड न्यूज़ है, बिकॉज ये एक सिम्टम होता है कि पुशिंग का प्रोसेस सही हो रहा है और बेबी की डिलीवरी सही जल्दी होने वाली है। और एज फार एज आपकी डिलीवरी सेफ और हेल्दी हो, आपके केयर प्रोवाइडर्स को आई डोंट थिंक कि किसी और चीज़ से फ़र्क पड़ता है। उनको ये एक्सपेक्टेड होता है, और ऐसा जब भी होता है तो वो चुपचाप उसे टिश्यू की हेल्प से या फिर क्लीन टॉवल की हेल्प से उसे क्लीन कर देते हैं, और कई बार तो आपको पता भी नहीं चलता। और आपके बर्थ पार्टनर से भी मेरा यही सजेशन रहेगा कि जब भी वो ऐसा होता देख रहे हो तो उनको आकर स्पेसिफिकली आपको इसके बारे में इन्फॉर्म नहीं करना चाहिए, बिकॉज उस टाइम पे आपका पूरा फोकस डिलीवरी और पुश के तरफ होना चाहिए और ना कि मोशन के तरफ होना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। जब आप अपने बेबी को पुश करते हैं तो आपके कॉन्ट्रैक्शंस के दौरान आपके रेक्टम पे भी एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, और जो भी स्टूल वहाँ पर होता है वो बाहर आ जाता है। इसका एक और रीज़न होता है, और वो है हार्मोनल चेंजेस। जब आपके बॉडी को नेचर बेबी की डिलीवरी के लिए तैयार करती है तो आपके बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो आपके यूट्रस, सर्विक्स और रेक्टम को लूज करती है, ताकि आपका बेबी बाहर आ सके। इसलिए जब भी आपके कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं तो आपको लूज मोशंस हो सकते हैं, या फिर चाइल्ड बर्थ के टाइम पे आपका मोशन बाहर आ सकता है। तो चलिए अब जानते हैं कि हम चाइल्ड बर्थ के दौरान मोशन पास करना अवॉइड कर सकते हैं। वेल, ये हर किसी को जानना होता है, लेकिन ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे आप इसे अवॉइड कर सकें। पहले के टाइम पे डॉक्टर्स मेडिकेशन यूज़ करके बॉबल्स क्लियर कर देते थे, पर अब ये जनरल प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि मेडिकेशन के बाद भी मोशन पास हो ही जाता है। और अगर आप स्टिल चाहते हैं तो आप अपने डॉक्टर के साथ ये ऑप्शन डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आपको इसके लिए बिल्कुल भी वरी नहीं करना चाहिए, और बिगर पिक्चर पे फोकस करना चाहिए, जो है आपकी बेबी की डिलीवरी।
मेरी डिलीवरी के टाइम पे भी मेरा मोशन पास हो गया था और मेरे डॉक्टर्स ने मुझसे यही कहा था कि ये काफ़ी नॉर्मल है और मुझे बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो मैं इस वीडियो को यही कहकर कंक्लूड करना चाहूँगी कि कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती और हमें अननेसेसरी उसके बारे में सोचकर टेंस्ड या स्ट्रेस्ड आउट नहीं फील करना चाहिए, स्पेशली हमारे डिलीवरी के टाइम पे और हमारे प्रेगनेंसी के टाइम पे। आई होप आपको इस वीडियो से ज़रूर हेल्प मिली होगी और अगर मिली हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे प्रेगनेंसी से रिलेटेड और भी वीडियोस ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।